करती है और बहुत सारे जनजीवन को प्रभावित करती है। लेकिन बांदा में अकेले 16 से ज़्यादा खदानें चल रही हैं जो सीधी तरह से केन नदी को प्रभावित कर रही बुरी तरह। यहाँ पर गर्मियों में पुल पानी पर, ये पिछली बार गर्मियों की रिपोर्ट है कि पुलिस का पहरा रहता था, तो इसको कैसे रोका जाएगा ताकि ये जो जीवनदायी नदी इसको ही बचाया जा सके। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नदियाँ तो जीवनदायिनी होती हैं और नदियों को समझना भी ज़रूरी है। कई बार हम नदियों को हम समझ नहीं पाते। एक तो आज मैं चर्चा के दौरान भी यहाँ बता रहा था कि नदियों का जो हम आज भूजल दोहन भी करते हैं उससे भी नदियों का बहुत बड़ा संपर्क है, क्योंकि नदियाँ जो हैं, जैसे आपकी नदियाँ हैं, ये सारी रेनफेड रिवर्स हैं, स्प्रिंग फेड रिवर्स हैं, तो इनमें जो नहीं तो मानसून में तो पानी आता है, लेकिन नॉन मानसून में पानी कहाँ से आता है? नॉन मानसून में पानी आता है जो पानी एक्यूफर्स में भरा रहे, तो वहाँ से पानी आता है। अगर हमने एक्यूफर्स से पानी इतना नीचे कर दिया कि नदियों में वापस नहीं आती है। दूसरी चीज़ जो आपने भी बताई, सही बताई, कि जो हमारा फ्लड का, जैसे हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, एक्चुअली फ्लड प्लेन्स में पानी इकट्ठा होकर रहता है। आज हमने फ्लड प्लेन का अतिक्रमण होता है, फ्लड प्लेन्स पे घर बनाए जाते हैं, फ्लड प्लेन्स पे कुछ डंपिंग ग्राउंड के हिसाब से होता है, और जो अनसाइंटिफिक, जो आपने कहा कि सैंड माइनिंग होती है, ये सारी जो है उसकी समस्याएं हैं। तो सैंड माइनिंग जो कह रहे हैं कि इलीगल सैंड माइनिंग होती है, अब ये तो बेसिकली कितना अच्छा हम उसको इन्फोर्समेंट कर सके। माइनिंग भी जरूरी है, लेकिन जरूरी है लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए। बात सही है कि वो उतना ही माइनिंग होने, कहाँ से सैंड माइनिंग होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अनसाइंटिफिक होने से उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज हमारे साथ DMC भी बैठे हैं, डिविजनल कमिश्नर भी बैठे हैं, ये लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि नदियों में अवैध रूप से खनन न हो। चीन में करीब करीब उतना ही एरिया इरीगेट होता है, लेकिन वो हमसे आधे पानी लगाते हैं, हम उनसे दोगुना पानी लगाते हैं। तो एक तो है कि चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो उद्योग में हो, पानी की बचत कैसे की जाए, कम ऐसी फसल लगाएं जिसे पानी की कम ज़रूरत पड़े, या खेती के तरीके ऐसे करें कि जितनी पानी की आवश्यकता है फसल को उतनी हम पानी दें, तो उसको कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो दो चीज़ अटल भूजल योजना में सबसे बड़ी चीज़ है, एक है पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वो बेसिकली जैसा कि नाम है अटल भूजल योजना, तो ये भूजल प्रबंधन के लिए है, क्योंकि भूजल का गिरता स्तर जो है आज सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो भूजल प्रबंधन में एक तो है कि जन सहभागिता हो, सब कुछ गांव के लेवल पे ही, गांव के लोग ही सारी चीज़ें, मतलब मापने से लेके और वाटर बजट बनाना से लेके, वाटर सिक्योरिटी प्लान से लेके और बाकी चीज़ें गांव और ग्राम पंचायत के लोग कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। और दूसरी चीज़ है कि हम उसमें जोर देंगे कि पानी को बचाया कैसे जाए, मतलब सप्लाई साइड मैनेजमेंट के भी काम होंगे लेकिन डिमांड साइड में। तो इसकी दो खासियत है, और ये अभी हमने केवल 7 राज्यों में, कह सकते हैं पायलट स्कीम है, 7 राज्यों में हमने इसको 78 ब्लॉक्स में ही काम लिए हैं, और जिसमें कि बुंदेलखंड रीजन के करीब 20 ब्लॉक इसमें शामिल हैं, 78 जिलों में कार्यक्रम लिए हैं और करीब 9000 ग्राम पंचायत में। तो इसमें कोई बड़े बड़े उस टाइप का नहीं है कि बड़े डैम बनेंगे, बड़े कैनाल बनेंगे, इसमें मुख्य यही है कि हम लोगों को, कि लोग अपने समझें। अभी हम यही समझ में नहीं आता है कि हमारे नीचे की ज़मीन में जो पानी है वो ख़त्म हो रहा है। आपके पास अभी जैसे आपके पास मोबाइल होता है, आपको पता लग जाता है कि मोबाइल का मेरा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप उसको चार्जर पर लगा देते हैं। लेकिन हमें गाँव में रहते हुए ये पता नहीं चलता है कि पानी हमारा ख़त्म होना है, हमें पानी को रिचार्ज करने के लिए। तो अटल भूजल योजना जो है वो उसी का स्कीम है। सर, वाटर रिचार्जिंग के लिए पुरानी पद्धतियों को कितना अपनाया जा रहा है? देखिए, हमारे ख्याल से हमारे देश में जो है वो जो वाटर हार्वेस्टिंग का ट्रेडिशन बहुत अच्छा रहा है। आज भी आप जाएं तो ऐसे ऐसे गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ बड़े बड़े महल बने हैं उनमें आपको देखेंगे कि वाओ, बाबरी, स्टेप वेल टाइप की चीज़ें उस समय भी बनी थी। तो हमारी पानी की परंपरा जो है वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी अच्छी रही है। सर, कहीं ना बात करें बांदा में बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी नहीं, लेकिन जब से ये बंधी और ये जो जल संरक्षण की व्यवस्थाएं खत्म हुई तब से ये समस्या आ रही है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था ना कि हमारे यहाँ सब जगह, चाहे वो बुंदेलखंड हो, तभी तो मैंने महोबा में बताई कि कैसे कैसे नाम जो तालाब हैं उनके नाम के आगे सागर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पानी की अच्छी व्यवस्था थी, पानी की दिक्कत रही थी उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश तो ठीक ठाक होती है, लेकिन हमारी जो यहाँ की जो जिसको कहते हैं जो जियोलॉजी ऐसी है कि कई बार मतलब वो पानी को
जैसे एल्यूवियल सॉयल नहीं है, हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक में पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। तो पहले अच्छी शुरुआत तो हुई थी, कहीं हमने बीच में उसको जो है उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। तो अभी आज ज़रूरी है कि फिर से उस पे ऊपर हम ध्यान दें, और उसी की कोशिश चारों ज़िलों में हो रही है। सर, क्या कोई प्लानिंग बनी है अभी तक इसको कैसे किया जाएगा? अभी तो बताया है कि अब उसके बारे में बात करने रहे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि अभी हम बड़ी फायदा होगा सर बुंदेलखंड को। अब देखिए, मैं फायदा तो बड़े प्रोजेक्ट से भी होता है, छोटे प्रोजेक्ट से होता है। आज जो हम आए थे बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करने ही नहीं आए थे। हमने आज बात की कि भाई पानी की समस्या जो है वो एक डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम है, और हम उसका डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन खोजें। हम उसका बड़े जो है, देखिए बड़े बांधों की समस्या आज के दिन में ये है, उनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, उसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम होते होते 10 साल 20 साल। आज मैं सरयू नहर परियोजना की बात कर रहे थे, आज भी पूरी तरह कम्प्लीट नहीं हुआ, 40 साल से चल रहा है। तो आज हमारा जो फोकस था वो हमारा फोकस था कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें करके ही पानी की उपलब्धता बढ़ाएं।